के लिए मैं थोड़ा आपको इंतजार करा रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन सब लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि लोग पीछे रह जाएंगे, उनको जानकारी नहीं मिलेगी फिर क्या फ़ायदा। आप सुनो, जिन लोगों ने यहाँ का जानकारी नहीं लिया वो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बैठो, आप पुष्करराज महाराज की जय। बोल मात पिता गुरुदेव की जय। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग पुष्करराज आए, पुष्करराज का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, पुष्करराज जल का नाम है, जैसे द्वार का जल वैसे पुष्करराज का जल, ये सतयुग का धाम है। सतयुगम केवलम पुष्करम, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प चलाया, वो ब्रह्मांड का भ्रमण करता हुआ यहाँ आके भूमि में गिरा, इनका नाम पड़ा पुष्कर। कर यानी ब्रह्मा जी का हाथ और पुष्प यानी कमल का फूल, दोनों को संधि विच्छेद करने से इनका नाम पड़ा पुष्कर। ये सतयुग का धाम है। सतयुगम केवलम पुष्करम द्वापरम नेमिशानम, द्वापर में नेमिशान जब राम जी पैदा हुए, तेतायाम कुरुक्षेत्र जहाँ कृष्ण भगवान कौरव पांडव पैदा हुए, और कलयुग है गंगा, जो भागीरथ लेके आया उत्तराखंड से, वो कलयुग का धाम है गंगा, ये सतयुग का धाम है। तो सतयुग में ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया, तो अपने हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता है, सभी देवी देवताओं को बोला कि षष्ठि के कल्याण के लिए तीर्थ बना है, और आप लोग यहाँ पधारे और षष्ठि के कल्याण के लिए इस तीर्थ का निर्माण किया है, तो आप लोगों को यहाँ योगदान देना है। तो ब्रह्मा जी के 5 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं नादमुरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको बड़ा आनंद आता है झगड़ा कराने में, उनने देखा षष्ठि में सबको लड़ते झगड़ते देखा, लेकिन माता पिता में कभी झगड़ा नहीं देखा, तो माता पिता में झगड़ा कराएंगे बड़ा आनंद आएगा, दुनिया में सब लड़ते हुए लोग आए। तो ब्रह्मा जी ने पुत्र को बोला कि जाओ, यज्ञ का समय हो रहा है और मुहूर्त निकल रहा है, आप अपनी माता को लेके आओ। तो जो पहाड़ी पे आप मंदिर देख रहे हैं, वो सावित्री मैया की जय। वो सावित्री माता अखंड सौभाग्य का देने वाला, वो ब्रह्मा जी का पहला पत्नी। तो ब्रह्मा जी ने पुत्र को बोला कि जाओ अपनी माता को लेके आओ, यज्ञ का समय हो रहा है। तो नाथ जी जाके कहने लगे कि ब्रह्मा जी जगत पिता है और आप सृष्टि की माता हैं, आप ऐसे जाओगे तो शोभायमान नहीं पाओगे, आप थोड़ा श्रृंगार करिए, गाजे बाजेगा पूरा ब्रह्मांड आपको देखेगा, तो 33 कोटि देवी देवता पूरा ब्रह्मांड आपको देखेगा। नाजेन जाके ब्रह्मा जी ने बोला पुत्र को, जाओ अपनी माता को लेके आओ, यज्ञ का समय हो रहा है। तो जाके बोले, अच्छा मौका है, आज 33 कोटि देवी देवता यहाँ विराजमान है, और ऐसे जाएंगे तो आज अनबड़ा आनंद आएगा। जाके कहने लगे कि आप सृष्टि की माता हैं और वो सृष्टि के पिता हैं, आप ऐसे जाओगे तो शोभा ही नहीं मान पाओगे, तो जनानियों को समय लगता है, बोले आप थोड़ा श्रृंगार करिएगा, गाजे बाजे के साथ जाओ, पूरा ब्रह्मांड आपको देखेगा। तो उसने देखा, बोला सही पुत्र सही कह रहा है, तो जनानियों को समय लगता है यज्ञ में श्रृंगार में। तो ब्रह्मा जी को चिंता लगी, कहने लगे कि माता को समय लगेगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल हैं, जब ब्रह्मा मंदिर आप जाएंगे तो इंद्र भगवान और कुबेर भगवान, ये दोनों ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं। तो जाके कहने लगे, इंद्र को बोला कि जैसे भी हो यज्ञ का व्यवस्था करो, क्योंकि मुहूर्त का समय जा रहा है। तो अब इंद्र भगवान हमारे यहाँ मृत्यु लोग में आते हैं, हमारे पास में गांव पड़ता है नांद गांव, वहाँ गुजर लोग होते हैं जो मवेशी रखते हैं, दूध दही का व्यापार करते हैं। तो लड़की लेके जा रही थी, इंद्र भगवान उसे लेके वहाँ पहुँचे, तो देवता लोग मनुष्य लोग ब्राह्मण लोग कहने लगे कि ये मनुष्य है, आप देवगण हैं, ये कैसे सिंहासन में बैठेगी। तो देवताओं की गाय होती थी, आप लोगों का नाम सुना हो कामधेनु, कामधेनु का मतलब सर्व कामनाओं की पूर्ति करना। तो मंत्रों द्वारा उस लड़की को कुशा बनाया, कुशा होती है जो शुद्धिगण के लिए काम में लेते हैं, कुशा बना के कामधेनु को खिला के पीठ में से निकाला, उनका नाम रखा वेद माता गायत्री, जो हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनका जन्मस्थली पुष्कर है। गाय मैंने गाय और तीन मैंने तीन टाइम, दोनों को संधि विच्छेद करने से उनका नाम पड़ा वेद माता गायत्री। जब शुद्धिकरण करके जब यज्ञ में बिठाया गया, तो जो पहाड़ी पे सत्यवान सावित्री अखंड सौभाग्य का देने वाला है, ये काली के रूप में प्रकट हुआ, जो कलकत्ता में काली के नाम से विख्यात है। आते ही ब्रह्मा जी झगड़ा किया विकराल रूप में कि आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मेरे सिंहासन पे दूसरी पत्नी को क्यों बिठाया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका संसार में कहीं मंदिर नहीं होगा,
ब्रह्मा का मंदिर आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। कि कोई भी गृहस्थी लोग आएगा तो आपका पूजा नहीं करेगा। यहाँ नगर में छोटे बड़े 1000 मंदिर है, सभी श्रापित है, वहाँ सिर्फ सन्यासी लोग पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवी यात्री लोग आएंगे कहाँ पूजा पाठ करेंगे। तब उन्होंने कहा धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, जो ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है वो जल को ही माना गया है। मंदिर की यहाँ पूजा नहीं है, यहाँ सरोवर की पूजा है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, दूसरा श्राप दिया इंद्र को कि आप नहीं होते तो ये कन्या कहाँ से आती, आप इसके लाने वाले हैं। कि आप बरसोगे तब भी बददुआएं मिलेगी और नहीं बरसोगे तब भी बददुआएं मिलेगी। कहीं बाढ़ पड़ती है तो हाहाकार करके मर जाते हैं, कहीं काल पड़ता है तो लोग हाहाकार करके मर जाते हैं। तीसरा श्राप दिया गऊ को, गऊ आप इनकी जननी है, आपने इनको उत्पन्न किया है, आपने अगर इनको उत्पन्न नहीं करते तो ये पैदा नहीं होती। क्या कलयुग के अंदर आप गंदगी में मुंह मारेगी, आजकल देखते हैं प्लास्टिक हर जगह, गाय नाली में हर जगह मुंह मारती है। चौथा श्राप दिया अग्नि को, क्या आप पहले अग्नि को मंत्रों से प्रकट करते थे, आप कलयुग के अंदर आप अगर नहीं होते तो यज्ञ चालू नहीं होता। अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो आपने ये कर्म किया है तो कलयुग में आप लोग को आपको ठोकर मारेंगे। आजकल बीड़ी सिगरेट पीते हैं लोग, जूते में कुचल के करते रहते हैं। तो ये श्राप दे के पहाड़ी पे विराजमान हो गई और यहाँ से रुष्ट होके कलकत्ता में काली के नाम से विख्यात हुई। और यहाँ यात्री लोग तीन काम से आते हैं। पहला काम, जो राजी खुशी घूमने फिरने दर्शन के लिए आता है यहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान करता है। स्नान नहीं करता है तो पंच स्नान करके अपना 20 रुपये का फूल प्रसाद का थाली आता है, चढ़ा के अपना परिवार का सुख शांति का मनोकामना मांगता है और जिसकी जो श्रद्धा है अपने पुरोहित को दान देता है। दूसरा काम, जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी नहीं होते हैं तो यहाँ 7 कुल के पितरों का पिंडदान होता है। जैसे गया में माता का होता है, अपने उत्तराखंड में ब्रह्म कपाली ब्रह्मा का 5वां शीश है, वहाँ पिता का श्राद्ध होता है, यहाँ 7 कुल के पितरों का पिंडदान होता है। समझ गए, भूला चूका बाल पित्र सती पित्र बोध पित्र गया गुजरा, जिसको याद नहीं है समस्त 7 कुलों के पितरों का यहाँ पिंडदान होता है। पिंडदान का सामग्री आता है 151 रुपये का। तीसरा काम, परिवार में कोई गुजर जाता है तो अस्थि वगैरह लाते हैं, वो सामने अस्थि घाट बना हुआ है वहाँ अस्थियाँ विसर्जन होती है। जिसके माता पिता कोई परिवार में गुजर जाते हैं तो अस्थि वगैरह लाते हैं, वो सामने अस्थि डालते हैं। और ये सरोवर के जो चारों में आप देख रहे हैं ये 52 घाट बने हैं। नगर में छोटा बड़ा 1000 मंदिर है, मंदिर में कई फूल पत्ती पैसा पाई कुछ नहीं लगता है, वहाँ सिर्फ दर्शन होता है। आप लोग प्रसाद लेके भी जाएंगे तो पुजारी टोकरे में डाल के आपको वापस दे देगा। जो कुछ महत्वता है इस जल का ही है। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, इन्हीं के लिए दुनिया आती है, इन्हीं का ही महत्व है। बोल पुष्कर राज महाराज की। जिनका जो श्रद्धा है, अगर राजू कुशी पूजा करना है तो उस बच्चे को पैसा दे देना 20 रुपये फूल प्रसाद का, और किसी को पिंडदान करना है पितरों का गति मोक्ष के लिए तो 151 रुपये उसको देना, ताकि वो आपकी सामग्री लगा देगा।